आज के लिए अष्टावक्र का सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, कूटस्थम बोधम द्वैतमात्मानम परिभावय आभाषो अहम भ्रमम मुक्तवा भावम बाह्यमथांतरम। अर्थात अपने कूटस्थ के बोध में स्थित होकर अपरिवर्तनीय चेतन और अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की यानी बाहरी संसार की अपने अंदर ही भावना करें। अष्टावक्र के सूत्रों में सारा जोर बात को समझ लेने पर, क्योंकि वस्तु स्थिति वही है, वहां करके नहीं जाया जा सकता। जो करने जैसा है वो अपने ढंग से किया जाता है, या कहें क्रियाएं घटती हैं उस चेतन आत्मा के चलते हुए। आज के जो शब्द उपयोग किए हैं अष्टावक्र ने वो भी महत्वपूर्ण है। कूटस्थ बोध, कूटस्थ का अर्थ होता है केंद्र, धुरी। जैसे एक पहिया है, एक चाक है पहिया, उसका जो सेंटर है धुरी, उसके चारों तरफ वो घूमता है। ऐसे ही जो केंद्र, या उसको स्रोत भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं, आधुनिक भाषा में उसको हम सोर्स या स्रोत कहेंगे, अष्टावक्र की भाषा में वो कूटस्थ है। और योग और तंत्र की कई परिभाषाओं में हमारे आज्ञा चक्र को, थर्ड आई को भी कूटस्थ कहते हैं। योग तंत्र की कई ध्यान विधियों में जब ये कहा जाता है अपने कूटस्थ में स्थित हो, तो उनके कई बहुस्तरीय मल्टी लेवल आशय होते हैं। एक आशय होता है कि अपने आज्ञा चक्र पर, अपनी थर्ड आई पर जाएं, और दूसरा होता है अपने सेंटर में जाएं, अपने केंद्र में, अपने सोर्स में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने केंद्र और स्रोत में लौटें, उसके बोध में आएं। और अष्टावक्र कहते हैं उसी के साथ जो आत्मा, चेतन अद्वैत आत्मा है, उसके बोध को हम पाएं। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें समझने की है, कई ध्यान विधियां उसमें जो सहयोग करती हैं, अष्टावक्र के सूत्रों में भी देखें भाव और भावना का बड़ा उपयोग है। अर्थात हम क्या भाव कर रहे हैं उसका अपना बड़ा गहरा महत्व है। स्रोत या आत्मा या कूटस्थ, उससे हमको जुड़ना नहीं है, उससे हम लगातार जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो कहते हैं उसका बोध करना है। अर्थात हम उसको भूल गए हैं, हमसे वो विस्मृत हो गया है वो जोड़, तो उस जोड़ को फिर से हमें याद करना है, उसके बोध को उपलब्ध होना है। अब जब आज्ञा चक्र पर ध्यान की बात की जाती रही तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही। ध्यान की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है। ऐसे तो देखा जाए इस प्रक्रिया में कोई क्रिया जैसा नहीं है, इसीलिए ये एक तरह से बोध को सक्रिय करने का ही प्रयोग है, लेकिन फिर भी उसके अपने महत्व जो हैं वो प्रकट होते हैं। हमारी दो आँखें,
द्वैत का प्रतीक, हम दो आंखों से बाहर जाते हैं, आंखों के माध्यम से हम बाहर के संसार में गति करते हैं। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं हम बाहर जाने लगते हैं, और देखने मात्र से दृष्टा और दृश्य टूट जाते हैं, यानी कि देखने मात्र से द्वैत घट जाता है। आमतौर से तो जो लोग आंतरिक विज्ञान पर शोध करते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन हमारी 70-80% ऊर्जा हमारी आँखों के माध्यम से बाहर चली जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम कमज़ोर अनुभव करते हैं, हम क्षीण अनुभव करते हैं। अक्सर यही होता है कि व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अपनी आँखों का उपयोग कर रहा हो और दर्शक बना हुआ हो तो वो थक जाता है। ज़्यादा टीवी देखकर, ज़्यादा सिनेमा देखकर भी हम थक जाते हैं। इसीलिए जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अक्सर देखा जाए वो भी बहुत थकते हैं। यूं तो वो कोई बड़ी मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं। बाहर से कोई देखे कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो चुपचाप बैठा है आराम से, लेकिन फिर भी वो थकता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर की तरफ फेंकी जा रही है और द्वैत का जगत निर्मित हो रहा है। अब जब ध्यान विधियों में ये कहा गया कि अपने दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर आए, तो एक तो इसका मतलब तीसरी आंख से है, आज्ञा चक्र से है, और इसका जो गहरा आशय है वो ये है कि हम बीच में आए, संतुलन में आए, दोनों आंखों के बीच में, ये मिडल पाथ हो गया। ना हम बाहर जा रहे हैं ना हम भीतर जा रहे हैं, हम बीच में कहीं पर संतुलन में। तो ध्यान में ये चीज आम तौर से बहुत ही प्रसिद्ध रही कि जो भी ध्यान की विधियों में जाता है वो इस चीज़ से जरूर परिचित हो जाता है कि एक कोई ऐसा बिंदु है जहाँ पर हमारा ध्यान बरबस खींच लिया जाता है। अगर कोई यूं ही मौन में बैठे तब भी कभी कभी देखेगा कि अचानक उसका ध्यान दोनों आँखों के बीच खींच लिया जाता है, वो संतुलन का बिंदु है। वहाँ पर संतुलन पैदा होता है और हम बाहर की तरफ गति करना बंद करते हैं। कूटस्थ उसी केंद्र का नाम है जहाँ पर सब संतुलित हो गया है, यानी हमारे अंदर का वो बिंदु जहाँ पर पूरी स्टिलनेस, पूरी स्थिरता है। शरीर में कई ऐसे बिंदु हैं ऊर्जा केंद्रों के जहाँ पर अलग अलग किस्म की स्थिरता है, क्योंकि उनको आप ध्यान दें, जो ऊर्जा केंद्र हैं उनको कहा गया ऊर्जा चक्र, और जब कोई चक्र होगा, व्हील होगा, तो उसका सेंटर होगा। तो हर ऊर्जा केंद्र का, ऊर्जा चक्र का एक केंद्र होगा, उसके चारों तरफ एक परिधि होगी। योग के और तंत्र के विधानों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया। तमाम तरह के ऊर्जा चक्र खोजे गए, मौलिक रूप से 7 ऊर्जा चक्रों से लोग परिचित ही हैं, मोटे मोटे 8 और 9 का भी जिक्र है, और फिर बड़े सूक्ष्म चक्रों का भी जिक्र है, माइनर चक्राज का भी पूरे शरीर में जिक्र है। हर चक्र का मतलब है कि हर जगह पर एक केंद्र है और उस केंद्र के चारों तरफ एक परिधि है। अब जैसे अगर हम मूलाधार की बात करें, बेसिक सेंटर की, तो वो जीवन से जुड़ा हुआ केंद्र है, हमको
रूटेड करता है, इसीलिए उसका नाम मूलाधार है, हमको जीवन से जोड़ता है, रूटेडनेस का वो सेंटर है। और एक बार अगर हम जीवन से पूरी तरह जुड़ते हैं तो फिर उसके चारों तरफ एक संसार पैदा होगा, एक परिधि खड़ी होगी। इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ें, समझें उन चीज़ों को, तो हर सेंटर का, हर ऊर्जा चक्र का अपना सेंटर और उसके चारों तरफ की अपनी एक दुनिया। अष्टावक्र कहेंगे हमको केंद्र में जाना है, सोर्स में। और कूटस्थ शब्द का उपयोग यहां पर, वैसे वो सोर्स के लिए ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि इसका उपयोग कई जगह पर आज्ञा चक्र के लिए हुआ है, इसलिए उसको कह रहा हूं कि आज्ञा चक्र पर आते ही एक अलग किस्म का संसार हमारे सामने खड़ा होता है, एक अलग किस्म की दुनिया हमारे सामने पैदा होती है। क्योंकि ये क्रिएटिव जगत है, ये वो विंडो है जहाँ पर हम पूरी तरह सृजनात्मक हो उठते हैं, इसीलिए उसका नाम आज्ञा चक्र भी दिया गया, यानी कि हमारी आज्ञाएं, हमारे कमांड्स हमारे जीवन को संचालित करने लगते हैं। और वो कमांड्स, इसीलिए वो आज्ञाएं या वो विचार की शक्तियां इसलिए प्रभावी होती हैं क्योंकि हम अपने सोर्स के बहुत नज़दीक हैं, हम अपने केंद्र के बहुत नज़दीक हैं। आम तौर से विचारों की हलचल ही व्यक्ति को अनुभव में आती है और विचारों के पार की जो स्थिरता है उससे उसका आमना सामना नहीं होता। कूटस्थ में स्थित होने का अर्थ है कि विचारों के गैप में प्रवेश करना या विचारों के पीछे की स्थिरता में स्थित हो जाना। विचार खत्म कर देना नहीं, विचार शून्यता जो है वो है विचारों का साक्षी हो जाना, या एक विचार और दूसरे विचार के गैप में प्रवेश कर जाना। विचार शून्यता से कभी ये नहीं समझना चाहिए कि विचार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विचार कभी खत्म नहीं होते। हम विचारों के जगत में जी रहे हैं, वो हमारे हैं नहीं, हमारे अंदर से गुजरते हैं, हम उनको बस देखते हैं। तो इस सूत्र में एक ध्यान की तरफ इशारा भी है, हालांकि अष्टावक्र कभी ध्यान विधियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बीज रूप में भी कोई चीज़ कहीं शामिल है तो हमें उसको भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सहयोगी हो सकती है। अब अगर हम सीधे सीधे अपने सोर्स को अनुभव कर लें, सीधे सीधे हम अपने केंद्र की तरफ बढ़ जाएं, और उसका एक ही मतलब है कि अपने अंदर की जो स्टिलनेस है, इनर स्टिलनेस, उससे जुड़ जाएं, तो बात ख़त्म। फिर ना हमको इस सेंटर में जाना है, ना उस सेंटर में जाना है, कहीं नहीं जाना। कुछ लोगों के लिए बहुत संभव हो सकता है और कुछ लोगों के लिए किसी थोड़े से सहारे से, यानी कोई विंडो अगर उनको दे दी जाए तो उसके सहारे उनके लिए वो आसान हो सकता है। तो बेहतर है कि अगर कोई हमारे सामने विंडो आ रही हो, कोई खिड़की खुल रही हो, तो उसका भी उपयोग कर ले। इसलिए इस सूत्र में हम अगर अपने थर्ड आई का उपयोग करें, आज्ञा चक्र का, और उसके प्रति जागें, तो हम अपने अंदर की स्थिरता को बड़ी आसानी से अनुभव करने लगेंगे। व्यक्ति अभी भागा भागा, बिखरा बिखरा इसलिए है क्योंकि उसके विचार बिखरे बिखरे। किसी भी व्यक्ति की समस्या क्या है? ध्यान में भी जब कोई आता है तो उसकी प्रारंभिक समस्या क्या है? विचारों की उथल पुथल, विचारों से वो परेशान है। और विचार ही उसका जीवन है, उसके विचार ही उसको बनाते हैं। जैसे विचार वो लेकर चल रहा है वही उसको बनाते हैं। अगर अराजक विचार हैं तो उसका जीवन अराजक हो जाता है। विचारों में एक लय है, समस्वरता है, तो जीवन में भी एक लय और समस्वरता आ जाती है।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर विचारों के पीछे की स्थिरता उसके बोध में है तो जीवन में स्थिरता बन जाती है। अगर स्थिरता नहीं है तो हम विचारों के जो तरंग रूप है यानी उनका जो वेव फॉर्म है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हर वेव फॉर्म के पीछे एक ओशन फॉर्म भी है, उससे जुड़ने पर स्थिरता है। तो जिस ओशन से वो विचार उठते हैं हम उससे, यानी जिस समुद्र से विचारों की तरंगें उठती हैं हम उस समुद्र से जुड़ जाते हैं। हमारे चेतना के समुद्र से विचारों की तरंगें उठती हैं। विचार कहीं बाहर से नहीं आते। अगर कोई विचारों से लड़ने लगे तो वो वस्तुतः अपनी ही चेतना से लड़ रहा है, तो वो कहीं पहुंचने वाला नहीं। लहरों से लड़ना नहीं है, उनको अपने ढंग से रहने देना है और उसके पीछे का जो जगत है उससे जुड़ जाना है। हमारा आज्ञा चक्र उसमें हमें बड़ा सहयोग दे सकता है। वो हमारा जो थर्ड आई का सेंटर है, विचारों के पीछे जो चेतना का समुद्र है उससे जुड़ने में बहुत सहयोग कर सकता है। इसका अनुभव ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी का ये सेंटर जागृत होता है तो वो दूसरों के विचार देख सकता है। दूसरों के अंदर कौन से विचार गति कर रहे हैं इस समय, वो उनका दर्शक यानी दृष्टा हो जाता है। दूसरों के अंदर वो अपने विचार डाल सकता है, उसके लिए स्थान और समय की कोई सीमा नहीं है। अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वो एक यूनिफाइड फील्ड से कनेक्ट हो गया है। बहुत सारे लोग कई बार यूं ही टकरा कर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं और उनको ये ज्ञात नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है। कई ऐसे सिद्धियों वाले लोग हैं जिनको ये उपलब्धि हो जाती है, ध्यान में जा रहे हैं या कोई प्रयोग करें, अचानक उनको ऐसी ओपनिंग हो जाती है कि दूसरों के विचारों में एक्सेस हो रही है या उनको प्रभावित कर पा रहे हैं। वो ये नहीं जान पाते कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वो एक यूनिफाइड फील्ड से कनेक्ट हो गए हैं, यानी जो एक चेतना का जुड़ा हुआ जगत है। लहर तो अलग अलग उठ रही है, इस किनारे से उस किनारे तक, दूर दूर तक वो लहर उठ रही है, लेकिन उसके आधार में वही चेतना का सागर है। तो हम उसमें जब स्लिप हो जाते हैं तो हर लहर अंतर संबंधित है, हर लहर इंटरकनेक्टेड है। विचार तो मामूली है, विचार की बात पर बहुत ज़्यादा अगर कोई फोकस करेगा तो दूर तक नहीं जाएगा। अगर विचार की लहर का सिरा पकड़कर कोई चलेगा तो वो देखेगा कि हम सब एक ही चेतना के विस्तार में हैं, और जब एक ही चेतना के विस्तार का अनुभव बोध हो जाए, उसमें हमारी एक्सेस हो जाए, तो ये तो बड़ा आसान है कि आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। उसको प्रभावित करना संभव है। जाने अनजाने हम सब हो रहे हैं, जाने अनजाने हर कोई एक दूसरे के विचारों भावों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अभी इसका बोध नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार बोध जरूरी है, और जब बोध आएगा तो हम सचेतन होकर भी उस प्रभाव को ला सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए ये आज्ञा चक्र की खिड़की बड़ी महत्वपूर्ण है। उससे प्रवेश करके हम जब देख पाते हैं कि विचारों का एक यूनिफाइड फील्ड है, नॉलेज का एक यूनिफाइड फील्ड है, एक क्षेत्र है, एक कलेक्टिव फील्ड है, तो उसके साथ हमको पूरे जगत से अंतर संबंधित होने का, एक होने का बोध हो जाता है, और वही चेतना का विस्तार है। जैसे इस आकाश में अलग अलग बर्तन रख दिए जाएं, तो अलग अलग बर्तन के आकार प्रकार और रंग रूप के अनुसार उनके अंदर आकाश भी होगा। वो उस बर्तन के अंदर है, आइडेंटिफाइड स्पेस है, लेकिन
उन बर्तनों के होने के बावजूद भी उस आकाश की कंटिन्यूटी में, उसकी सातत्यता में, उसकी निरंतरता में कोई अंतर तो नहीं पड़ता। अष्टावक्र ने शुरू ही यहाँ से किया था कि बर्तनों के भेद से उस आकाश में भेद नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे शरीर मन के जो यंत्र हैं वो बर्तनों जैसे हैं, कंटेनर जैसे हैं। उनमें चाहे कितनी भी भिन्नता दिखाई दे रही हो, लेकिन जो चेतना का आकाश उनके अंदर से बह रहा है या भरा हुआ है वो तो कंटिन्यूअस है, निरंतर है, उसमें कोई अलगाव आया ही नहीं। उसमें चूंकि अलगाव आया ही नहीं तो हर कोई उस वननेस को, उस एकत्व को कभी भी अनुभव कर सकता है, बस उसके प्रति जागने का भाव है। अब इधर जागेंगे या उधर जागेंगे, अष्टावक्र के इस सूत्र में बस इतना ही अंतर है। बोध का जो फोकस है वो किधर ले जाएंगे, परिधि पर ले जाएंगे या केंद्र पर ले जाएंगे। हमारे घर में भी बहुत व्यवस्थाएं हैं, हमारे घर में गेट होता है, बाहर दरवाजा है, घर के कमरे हैं। घर में होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपना ध्यान अपने गेट पर ही लगाए रखे तो वो बस परेशान रहेगा, यानी कि मानसिक रूप से वो अपने गेट पर बैठा रहेगा और है वो अपने कमरे में। तो कोई व्यक्ति अपने बोध को लौटाकर अपने कमरे में ले आता है, शांत हो जाता है। फिर इस कूटस्थ का जो और प्रचलित और समझ में आने वाला परिप्रेक्ष्य है वो है वर्तमान का बिंदु। आप केंद्र में गए तो उसकी पहचान यही होगी कि आप वर्तमान में आ गए, ठहर गए इस बिंदु पर। जैसे आप अपने गेट के भाव में रहते हुए पूरी तरह वहां खो सकते हैं और अपने कमरे में बैठे हैं, अपने बेडरूम में, तो शांति से वहां भी आ सकते हैं। केवल शिफ्टिंग है आपके बोध की। तो ऐसे ही वर्तमान का बोध भी है कि आप चाहें। सूत्र में इन्होंने जहां से मैंने लिया है उसका अनुवाद किया था कि उस अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें, लेकिन ये अनुवाद गलत है। श्लोक में लिखा है, सूत्र में, परिभावय, यानी कि उसके भाव में उतरें। चिंतन नहीं करना है, चिंतन तो बड़ा ही मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। भाव, और फिर आगे कहते हैं कि और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। यहां भी भावना, उधर का एक भाव है और इधर भी उन्होंने भावना शब्द ही उपयोग किया है। तो जैसे कि बात वर्तमान की मैं कह रहा था कि चाहे तो अपने अतीत की गलियों में हम घूमें, चाहे तो भविष्य की काल्पनिक गलियों में घूमें और हम व्यथित रहें। जो नहीं है, जो अब नहीं रहा, जो अप्रासंगिक है, उसके केवल कल्पना मात्र में, उसकी भाव मात्र में हम पीड़ित हो सकते हैं, और जो है उसको चूक सकते हैं पूरी तरह। कूटस्थ बोध या केंद्र में स्थित होने का बोध यही है कि वर्तमान में आप हैं। ये पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स का अर्थात द्वार। तो एक तो द्वार हमने कहा कि विचारों के पीछे जाकर उनके साक्षी होकर, एक पोर्टल वो है अपने स्रोत और कूटस्थ बोध में स्थित हो जाने का। दूसरा पोर्टल, दूसरा द्वार वर्तमान में आ जाने का है। अगर हम इतना भी कर पाएं कि जहां हैं वहीं पूरी तरह हो जाएं तो हम अपने स्रोत में आ जाएंगे, अपने कूटस्थ बोध में आ जाएंगे। और जीवन तो यही है, जीवन कभी भी अतीत में नहीं होता, भविष्य में नहीं होता, जीवन तो हमेशा उस क्षण में ही होता है।
आगे भी जिस क्षण की हम कल्पना कर रहे हैं वो हमारी कल्पना का विषय है, लेकिन जीवन वहीं पर होगा जब वो क्षण हमारे हाथ में होगा। फिर एक तीसरा पोर्टल, तीसरा द्वार भी है इस स्रोत में जाने का, वो है हमारा मौन, साइलेंस। साइलेंस या मौन, उसकी बात हमने कई बार करी कि वो चुप्पी नहीं है, चुप हो जाना। जैसे लोग मौन व्रत ले लेते हैं कि आज बोलेंगे नहीं, तो इशारों में बोलते हैं, कागज पे लिखते हैं, आईपैड पे लिखते हैं, फोन पे लिखते हैं। अब तो चुप रहने का बड़ा आयोजन फेल हो चुका है। पुराने जमाने में लोग चुप रहते थे, अब तो आपके पास सोशल मैसेजिंग ऐप इतने हैं कि आप बिल्कुल चुप रहिए, लेकिन इतना शोर आप उससे मचा सकते हैं, आप दिन भर मैसेजिंग करिए, टेक्निकली आप चुप हैं, मौन में हैं कि आप बोलते नहीं, लेकिन आप मैसेजिंग कर सकते हैं। मेहर बाबा मौन में गए, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, बोलते नहीं थे, वैसे उन्होंने अपने मौन के माध्यम से बड़ी गहराई पाई और फिर मौन के भी उनके कई आयाम बदलते रहे। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि वो चुप्पी ज्यादा थी और अपने जीवन के अंतिम समय में वो मौन में उतरे, क्योंकि रास्ता उन्होंने वही लिया था, वो इशारों से बोलते थे। फिर उनके पास एक स्लेट आई, वो स्लेट पर अल्फाबेट लिख के बोलते थे, एक अल्फाबेट का चार्ट भी उनके पास था, जैसे ए टू जेड का चार्ट है हमारे पास कीबोर्ड की तरह, तो जल्दी जल्दी वो उस पर लिख के वर्ड्स बनाते थे, सेंटेंसेस, और लोग उनको पढ़ लेते थे। ऐसे करके उन्होंने बहुत बोला। आज के टाइम में होते तो व्हाट्सएप पे ही बोल डालते सब, या किसी भी ऐप पर बोल डालते और तकनीकी रूप से मौन रहते। अब मौन को समझने की जरूरत यह है कि उसका बोलने या ना बोलने से कोई रिश्ता नहीं। मौन है बोले जाने और ना बोले जाने के पीछे का स्पेस, उसके पीछे का आकाश, अर्थात वही स्रोत जहां से बोलने की लहर भी उठती है और उसी स्रोत में न बोलने की लहर भी खोती है। बोलने और न बोलने के पीछे खड़ा हुआ साक्षी, वो है मौन। आप बोलते रहिए, लेकिन अगर अपने बोलने के प्रति आप पूरी तरह सचेतन हो सकते हैं तो आप मौन में चले गए। आम तौर से बोलते समय आप देखिए व्यक्ति अपने केंद्र से अलग हो जाता है, इसीलिए बाद में पछताता है। जीवन की 95% समस्याएं लोगों की बोले जाने के कारण है। जब बोला जाना था तब नहीं बोल पाया, और जब नहीं बोला जाना था तब बोल गया। जो बोला जाना था वो नहीं बोला, और जो नहीं बोला जाना था वो बोल गया। बोले जाने की समस्या, और फिर वो लौटता नहीं, निकल गई बात कभी वापस नहीं लौटती। सारी झंझट संबंधों में, घर परिवारों में, अपने कार्य व्यवहार में, उसके वाणी से, बोले जाने से, क्योंकि बोलते ही वो अपने केंद्र से हट जाता है और सचेतन नहीं रह जाता। अगर वो बोले और सचेतन रह जाए, साक्षी रह जाए अपने बोलने का, तो मौन में चला गया, फिर बोलने का कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जो बोला पूरे होश से बोला, उसमें किसी फेरबदल की गुंजाइश नहीं। हम नेताओं की तरह बात करते हैं कि अभी स्टेटमेंट दे डाला जोश में और फिर उसका खंडन भी कर डाला कि नहीं नहीं हमारा अभिप्राय ये नहीं था, हमारा आशय ये था। तो बोलते समय आप इसका मतलब पूरे सचेतन नहीं थे, इसीलिए आप कुछ का कुछ कह गए। मौन अगर होगा तो आप निश्चित ये समझें कि कभी भी कुछ का कुछ नहीं होगा, आपसे वही बोला जाएगा जो बिल्कुल ठीक है, और कभी उस पर लौट कर देखना नहीं होगा। तो अपने बोले जाने के
अपने वाणी के साक्षी होना, वो मौन में प्रवेश, तब ये शर्त पूरी हो गई। इसके साथ ही हम अपने उस आत्मा के अद्वैत और चेतन रूप का भाव कर पाएंगे। ऐसे कौन सा भाव करेंगे? तकनीकी रूप से ऐसे सूत्रों की व्याख्या करते समय लोग आत्मा का एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त भाव ले लेते हैं, और या उसका एक काल्पनिक भाव ले लेते हैं, तो लोग उसका क्या भाव करेंगे? इन रास्तों से चलेंगे, इन तीन द्वारों से, तो जो घटेगा स्रोत का अनुभव, वही आत्मा का भाव है, वही चेतना है। अभी मोटे अर्थों में किसी से कहा जाए कि चेतना का अनुभव, तो हम क्या करेंगे? जैसे लोगों से कह दिया जाता है परमात्मा का भाव करो, उसका नाम लो, तो लोग शुरू हो जाते हैं, उसका भाव भी करने लगते हैं, उसका नाम भी लेने लगते हैं। लेकिन तुम्हें भाव कैसे आएगा जब तुम्हें उसका पता ही नहीं? तुम उसका नाम भी कैसे लोगे जब उसका पता ही नहीं? तुम कुछ लोगों के नाम ले सकते हो, तुम कुछ कॉन्सेप्ट्स, परिकल्पनाओं का भाव कर सकते हो, लेकिन उसका भाव कैसे करोगे? तो विचारों के साक्षी होने के द्वार से चलें, तटस्थ हों उस पर, वर्तमान में आने के द्वार से चलें, उसमें ठहरें, और अपने मौन के द्वार से चलें, अपने वाणी के साक्षी। इन तीन द्वारों से चलेंगे तो जो पीछे अनुभव घटेगा ठहराव का, इनर स्टिलनेस का, वही आत्मा का अद्वैत और चेतन भाव है। ये अष्टावक्र कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो बाहरी संसार है उसका अपने अंदर भाव करो, और मैं के आभास रूप से मुक्त हो जाओ। जिस मैं को हमने रचा है वो हमारा एक आभास रूप है, यानी कि वो वास्तविक नहीं है। अष्टावक्र बिल्कुल सीधी बात कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं एक आभास है, एक फिक्शनल रियलिटी है, काल्पनिक वास्तविक, ओरिजिनल नहीं, एक्चुअल रियलिटी नहीं। तो उसको बस तुम जानो कि ये अवास्तविक है। तुम जिस परिवार में जन्मे, जिस व्यवस्था में जन्मे, तुम जिन संस्कारों से गुजरे, जिन शिक्षाओं को तुमने ग्रहण किया, जिस परिवेश में पले बढ़े, उस सबसे एक मैं का निर्माण हुआ। वो मैं काम चलाऊ, वो मैं वास्तविक नहीं है, वो काम चलाऊ है। अपने अंदर हर व्यक्ति उतना ही चेतन और अद्वैत है, आत्मस्वरूप है। तुम जैसे ही अपने अंदर कभी भी ठहरते हो, तुम्हें अपने मैं का बोध नहीं होता, तुम शांत ठहरे हुए अद्वैत चेतन स्वरूप हो जाते हो। लेकिन जैसे ही अपने केंद्र से, स्रोत से हटते हो, अपने कुटस्थ रूप से, बोध से हटते हो, मैं लौटता है, और वो सारा मैं एक कलेक्टिव कंडीशनिंग है, वो वास्तविक नहीं है, वो कलेक्टिव कंडीशनिंग है। अष्टावक्र के अनुसार वो आभासी है, उसको देख लेने मात्र से उससे मुक्ति हो जाती है। हम गौर से अगर देखें तो क्या चीज हमारे ऊपर लगती है? कुछ भी नहीं लगता, ना हमारा कुल, ना हमारी जाति, ना हमारा कोई भी आरोपण, लेकिन हम उसमें ही अटके हैं। तुम किसी देश में पैदा हुए तो तुम्हारा मैं उससे जुड़ा हुआ है, किसी धर्म, जाति, परिवार में पैदा हुए तो उससे जुड़ा हुआ है। आसान है कितना, एक बार व्यक्ति समझे और उससे मुक्त हो जाए, लेकिन फिर भी मुश्किल, कठिन है, आसान नहीं है उससे मुक्त होना, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग बड़ी व्यापक है। वो कंडीशनिंग बहुत गहराई में उसके अंदर बोई गई है, लेकिन फिर यही अंतर है एक साधक, एक खोजी में, और एक उस व्यक्ति में जो अभी उस साधना के रास्ते पर नहीं है। हम समझ सकते हैं तत्काल रूप में कि आभास रूप है, न संन्यास का, न गृहस्थ का, न बाहर का, न भीतर का,
जो भी मैं खड़ा होगा वो आभास रूप। अष्टावक्र की देशना बिल्कुल सहज बनाती है, न तुमको सन्यासी बनाती है न तुमको गृहस्थ बनाती है, क्योंकि गृहस्थ के साथ एक मैं खड़ा होता है और सन्यासी के साथ तुम्हारा एक मैं खड़ा होता है, तभी तो तुम अपने सन्यासी की आइडेंटिटी को भी सामने रखकर बात करते हो और गृहस्थ की आइडेंटिटी को रख के सामने बात करते हो। इसीलिए सूत्र में आगे वो कहते हैं कि जो बाहर का विश्व है उसकी अपने अंदर भावना करो, यानी कि जो गृहस्थ और संसार है, संसार और अध्यात्म है, उन सबके भेद को मिटा दो, वो एक ही है। बाहर के संसार की भीतर भावना करें या भीतर के संसार की बाहर भावना करें, वो एक ही बात है। वस्तुतः वो ये कहना चाह रहे हैं कि भीतर और बाहर का जो भेद है वो काल्पनिक है, आभासी है, वर्चुअल है, वो हमारे अंदर ही उभरा है, उसको बस हमें खत्म कर देना है, समझ के खत्म हो जाएगा। आज के युग में इसको समझना बहुत आसान है। पहले अगर कहा जाता आभासी तो न तो इतने कंडीशनिंग और ऐसे वर्ड्स थे, तो उसको अलग ढंग से समझाना पड़ता था संस्कारों वृत्तियों के हिसाब से। आज हमारे सामने पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड भी है। अगर आप देखें सोशल मीडिया की बात देखें तो वो एक वर्चुअल दुनिया है, लोग उसमें खो जाते हैं। अब तो उससे बीमारियां बनने लगी, कई चिकित्सा संस्थानों ने अपने डिपार्टमेंट बना दिए हैं कि जिन लोगों को ऑब्सेशन पैदा हो गया है उनका मानसिक इलाज किया जा रहा है। भारत के कई प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में एक अलग यूनिट बन गई है। क्या होता है उसमें, सारी दुनिया आभासी है, वर्चुअल है, न तुम किसी को जानते हो न कोई तुम्हें जानता, तुम अपनी दुनिया रच लेते हो, न किसी के विचार का महत्व न तुम्हारे विचार का महत्व, लेकिन तुम्हें लगता है कि बड़ा महत्व का काम तुमने किया, तुमने कोई दो चार लाइन लिख डाली और लगता है तुमने कुछ बड़ा भारी काम कर दिया। वो खो जाती है हवा में, पता भी नहीं चलता, संसार में तो पता नहीं क्या क्या खो गया। रेत पर बने निशानों की तरह सब खो रहा है, आभासी दुनिया वही है। लेकिन आभासी दुनिया से भी हम बहुत वास्तविक निकालने की कोशिश करते हैं, हम अपनी फोटो खींच खींच कर डालते हैं, उसी में सल्फाइटिस जैसे बीमारी पैदा हो गई, तो नहीं, इट इज एक्चुअल डिजीज, इसका नाम साइकेट्री जोन में सल्फाइटिस दे दिया गया है। जब आप 4 से 5 अपनी सेल्फी खींच कर अपलोड करते हैं तो उसको मनोचिकित्सा में आजकल टर्म दिया गया सेल्फाइटिस। ये ऑब्सेशन है और तुमको लगता है कि लोग तुमको देख रहे हैं और तुमको कोई नहीं देख रहा, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपने को देखने में इतने व्यस्त हैं, इतने मशगूल हैं, किसी को किसी से क्या लेना देना। अब कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, देख रहा उससे तुम्हें चिंता बन रही, एंग्जाइटी बन रही, तुमने आज सवेरे फोटो डाली थी किसी ने लाइक ही नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं किया, शाम तक तुम्हारी चिंता का ग्राफ बढ़ गया, आभासी दुनिया। तुमने कुछ लिखा था 2-4 लाइन, तुमने सोचा था बड़ा कुछ हमने गहरा और महान लिख डाला, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और तुम दुखी हो गए, आभासी दुनिया। लेकिन ये तो अब पैदा हुआ वर्चुअल वर्ल्ड में, आसानी से एक क्लिक अवे हो गया जहां पर वो दिखता है, लेकिन पहले भी यही था आभासी दुनिया। जिसका मैं जितना सघन हो जाए कंडीशन, वो बाहर निकलने में घबराता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को अपने बारे में सोचने से फुर्सत नहीं, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन लोग इसी दुख में घुले जाते हैं कि हम अगर ऐसा कपड़ा पहना तो लोग क्या सोचेंगे, हमने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर लोगों ने सोचा भी तो वो क्षणिक होता है, उड़ता उड़ता सा, थोड़ी देर के लिए। तुम किसी पार्टी में गए, किसी ने तुमको नीचे से ऊपर तक देखा, बस तारीफ कर दी कि बहुत अच्छा, बात खत्म। इसीलिए तुमको अगली पार्टी में फिर नया अटायर चाहिए, वो वाला काम नहीं चलेगा। तुम अच्छी गाड़ी ले आओ, अच्छा घर बना लो, लोग एक दो बार तारीफ कर देंगे, बात खत्म, फिर तुम दुखी, फिर तुमको कुछ नया चाहिए। तो ये सब भी तो आभासी दुनिया है।
आभासी दुनिया में केवल इमेजेस वर्क कर रहे हैं। तुम्हारे मैं की एक इमेज है तुमने बनाई, अपने मैं की एक इमेज दूसरे ने बनाई, फिर दूसरे के मैं की एक इमेज तुमने बनाई, तुम्हारे मैं की इमेज उसने बनाई। अब सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा ये। फिर इन दोनों मैं के मिलने से तीसरी मैं की इमेज बनी, लोग उसी में पूरा जीवन लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। अगर मैं की आभासी दुनिया खत्म हो जाए तो झगड़ा ही नहीं, कोई उलझाव नहीं, कोई झंझट नहीं। क्यों कोई झगड़ेगा? क्योंकि कोई तुमसे नहीं झगड़ता, वो तुम्हारी जो छवि, तुम्हारी जो इमेज मैं की उसने बनाई है उससे उलझता है। मौलिक रूप से तो हर व्यक्ति, जैसा अष्टावक्र कह रहे हैं, वो चेतन अद्वैत आत्मा का स्वरूप ही है। मौलिक रूप से तो हर व्यक्ति उतना ही विराट है, तो उलझाव की गुंजाइश कहाँ है? उलझाव की गुंजाइश तो फिर कहीं नहीं है। तो इसीलिए वो सूत्र के अगले भाग में कहते हैं कि मैं की आभासी दुनिया से बाहर आ जाओ। अगर मैं की आभासी दुनिया में रहोगे तो पीड़ा रहेगी। मैं की आभासी दुनिया सांसारिक भी मत बनाओ और आध्यात्मिक भी मत बनाओ। बाहर के संसार को भीतर भाव करो। ये उस समय के लिए उनको महत्वपूर्ण लगा होगा, लेकिन मैं इसमें यह भी ऐड कर सकता हूं कि भीतर के संसार को भी बाहर भाव कर सकते हो, बात एक ही है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये बाहर की दुनिया है, ये भीतर की दुनिया है। कुछ लोग बाहर की दुनिया की आभासी कल्पनाओं में खो जाते हैं। ये जो कुछ हमने बनाया हुआ है, अपनी प्रसिद्धि, अपने मेडल्स, अपना नाम, अपना सब, उसका क्या वजूद है, उनकी क्या महत्ता है, तिनका भर भी नहीं। फिर ऐसे ही कोई अपने अंदर एक आभासी दुनिया पैदा करता है, ध्यान के अनुभव, साधना के अनुभव, तरह तरह के चमत्कारिक अनुभव, उनका भी कोई मूल्य नहीं है, वो भी आभासी ही हैं। मूल्य है अपने स्रोत में स्थिर हो जाने का, अपने स्वभाव में स्थिर हो जाने का। तो जो बाहर है और भीतर है उसमें कोई भेद नहीं है। अगर इतना किसी ने जाना तो उसकी मुक्ति है। बाहर भीतर के सांसारिक आध्यात्मिक के भेद को थोड़ा समझने के लिए एक चीज और समझ सकते हैं, सहयोगी होगी। वो आध्यात्मिक जगत में जो एक प्रपंच चलता है वो स्पष्ट होगा। जैसे कुछ लोग अचानक संसार से दुखी होकर आध्यात्मिक होंगे तो कहेंगे अब बस भक्ति में मन लगाएंगे। तुम एक काम बाहर कर रहे थे और दूसरा काम करने, काम वही कर रहे हो। पहले अपने प्रेमी प्रेसी की तरफ भाग रहे थे, अपने बच्चों की तरफ भाग रहे थे, मोह की एक अलग आभासी दुनिया तुमने पैदा कर रखी थी। अब तुमने तरह तरह के देवी देवता भगवान बना लिए, उनमें व्यस्त हो। ऐसा व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक आमतौर से लोगों को लगता है कि मंदिर में बैठा हुआ है, भगवान को नहला रहा है, आरती गा रहा है, पूजा गा रहा है। पहले तुम अपने पति पत्नी बच्चों को उठा रहे थे, सुला रहे थे, जगा रहे थे, बेवजह उनको परेशान कर रहे थे, फिर भगवानों को तुम जगा रहे हो, सुला रहे हो, उठा रहे हो, बिठा रहे हो। मंदिरों में ही तमाशा चलता है, अंतर क्या पड़ा? तुम घर में अपना खाना पीना चला रहे थे, फिर अपना मंदिरों में खाना पीना भोग चलने लगा। आभासी दुनिया वही है, रूप बदला केवल। अष्टावक्र कहते हैं कि बाहर आ जाओ उससे। जो बाहर है भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, एक ही फैलाव। जैन भी यही कहता है, वर्ल्ड इज स्पिरिचुअलिटी, संसार ही अध्यात्म है। और जब हमने ये देख लिया तो हम अपने कूटस्थ बोध में, अपने आत्मस्वरूप केंद्र में हैं, जहाँ कोई लहर नहीं उठती। अब कोई लहर नहीं उठती, इस बात को ये जरूर समझें कि सारी लहरें वहीं से उठती, तुम बस उसके साक्षी हो। अगर कोई सागर की गहराई में चला गया तो लहरों से उसका कोई बैर नहीं रह गया। तो जब कोई अपने आत्मस्वरूप में चला गया तो उसके लिए कोई निंदा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। सब अलग अलग लहरों के रूप हैं। कोई संसार में लहर घट रही, कोई अध्यात्म में लहर घट रही, वो सब लहरों को देखता है, सबका साक्षी होता है, सबसे मुक्त होता है। और ये मुक्ति ही उसके लिए
असीम आनंद का स्रोत है। पहचान यही है कि जब इसमें कोई प्रवेश कर गया है तो उसके लिए कुछ भी निंदनीय नहीं रह गया, किसी भी बात की आलोचना करने जैसा नहीं रह गया। अलग अलग लहरें हैं, अलग अलग किनारों से उठती हुई, क्या करना। तुम अपनी गहराई में केंद्र में स्थित हो और तुम जानते हो कि वो भी वहीं से उठ रही हैं। उन पर रोशनी अलग पड़े, उन पे कोई और प्रभाव अलग आ जाए तो उनके रंग रूप बदल जाते हैं, लेकिन रंग रूप बदलने से उनका स्रोत तो नहीं बदलता। जैसे अभी एक दो दिन पहले रूस में बर्फबारी हुई तो बर्फ लाल रंग की हो गई, अभी तो बर्फ हम सफेदी गिरते देखते थे, सब लाली छा गई, लाल रंग की बर्फ गिरी। लोगों ने उसकी फोटोग्राफी करी, लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मंगल ग्रह पर हम आ गए। अब किसी जगह से उठी लाल रंग की रेत, वो जब उस बर्फ में शामिल हुई उसका रंग लाल हो गया, लेकिन वो बर्फ ही थी। ऐसे ही किसी भी शरीर मन के यंत्र के माध्यम से जो लहर उठती है वो है उस चेतना के सागर से ही उठी, उसमें बीच में क्या शामिल हो गया उससे उसका रंग रूप बदल जाता है। जब तुम ये जानते हो तो तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं। अभी तो बैठे आध्यात्मिक लोग हिंदू मुसलमान की निंदा में, ईसाई सिख की निंदा में, इसी में लगे। हमारे जैसी जगहों पर आकर वो उतनी देर सुधरे रहते हैं, कोई चर्चा नहीं हिंदू मुसलमान उसकी, लेकिन जैसे ही अपने घर गए तुरंत हिंदू मुसलमान शुरू हो गया उनका। अलग अलग लहरें हैं, अलग अलग रूप हैं, कोई निंदा नहीं है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तुमको क्या लेना देना है। तो सब एक ही चेतना के रूप, और जब उस रूप को बदलना होगा वो अपने ढंग से बदलेगा। तुम अपने कूटस्थ बोध में आ गए, तुम्हारे लिए इतना काफी है। अष्टावक्र भी जनक से ही कह रहे हैं, वो बाजार में खड़े होकर नहीं चिल्ला रहे सबसे, क्योंकि जो इसको समझ सके वो उस सागर की गहराई में आ जाए, और वो कब कौन समझेगा ये भी वो चेतना का सागर ही तय करेगा। किसी किसी शरीर मन में वो बोध घट जाएगा। जो सौभाग्यशाली होगा उस अस्तित्व की उस योजना में उसको समझने का अवसर मिल गया होगा वो घट जाएगा। अंतिम बात बस यही कि सूत्र आसान है, उसमें सीधे जाना भी संभव है अगर जनक जैसी स्थिति हो। अन्यथा जिन तीन द्वारों की मैंने बात करी उनके माध्यम से आसानी बहुत है, विचारों के साक्षी होकर, विचारों के गैप में प्रवेश करके, अपने मौन में प्रवेश करके, वर्तमान में ठहर कर, मौन में प्रवेश करके अर्थात अपने वाणी के पीछे जाकर, वाणी मुखरता और चुप्पी का साक्षी होकर, वर्तमान अपने सारे बिखराव को इस क्षण में पूरे होश से जी लेने का। तो इन तीन पोर्टल से, इन तीन द्वारों से इस कूटस्थ बोध तक पहुंचना सबके लिए सुलभ है, कोई भी जा सकता है। आज के लिए इतनी ही।